और विराट कोहली के हेटर्स जली ना, सच बताओ जली ना यार। चिल करो, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है, अभी बहुत जलाना बाकी है। सो जोक असाइड, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को स्क्वाड ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा मैं ट्राई करता हूँ उनको बताने का। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम इस स्क्वाड में वो है हमारा कैप्टन, और वो है रोहित शर्मा। इसके ऊपर आएंगे, बहुत से ट्वीट्स में देखा हूँ रोहित शर्मा का अगेंस्ट, बट इसके ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। देन सेकेंड है यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली जली ना। देन सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, काफी अच्छा डिसीजन भाई बीसीसीआई, एक हार्ड जेस्चर वाला फील डाल दो यार, अच्छा लगा संजू सैमसन को इस स्क्वाड में देख करके। देन हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, शिवम दुबे नाइस यार, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिला है शिवम दुबे के साथ। देन अक्षत पटेल एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर। देन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कुलचा का कॉम्बिनेशन। यार तुम्हें सीरियसली याद है कब हम लास्ट कुलचा का कॉम्बिनेशन देखे थे? आई थिंक मेरे को याद है कि हम किसी ओडीआई में देखे थे 2021 या 22 में, उसके बाद हम कुलचा का देखे ही नहीं थे। मतलब ऐसा, मतलब इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। देन उसके बाद अक्षदीप सिंह, देन उसके बाद बुमराह और सिराज। सो बैकअप में है शुभमन गिल, रिंकू सिंह, शुभमन गिल मैंने बोला ना, हाँ शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। सो ये है हमारा प्लेइंग स्क्वाड जो आने वाले वर्ल्ड कप में खेलने वाली है। देखो बात करें सेलेक्टर्स का तो काफी अच्छा काम किया है। देखो लोग डिसअपॉइंट होंगे कि इसे क्यों नहीं खिलाया, उसे क्यों नहीं खिलाया, वो क्यों नहीं खेला, वो क्यों खेल रहा है, लेकिन यार एट द एंड ये एक अच्छा टीम है, एक स्टेबल टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, तो ये टीम मुझे लग रहा है कि फाइनल तक लेकर के जाएगी और एक ट्रॉफी आने वाला है बहुत जल्द। सो ट्विटर पे हंगामा मचा हुआ है कि अभिषेक शर्मा क्यों नहीं है, केएल राहुल क्यों नहीं है, रवि बिश्नोई क्यों नहीं है, रिंकू सिंह स्क्वाड में क्यों नहीं है। देखो यार ये सब क्यों नहीं है, क्यों है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और रहा बात रिंकू सिंह का, तो हाँ इसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, बट ठीक है बीसीसीआई ने लिया है डिसीजन, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो तो मैं तो शिवम दुबे के साथ जाऊंगा, क्योंकि शिवम दुबे सीएसके के साथ खेलता है और सीएसके में कौन है, द थाला फॉर अ रीजन है, तो शिवम दुबे को पता है कैसा खेलना है, उसका गेम प्ले क्या हो सकता है, तो ये वो वहां से सीख कर आएगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखो रोहित शर्मा के ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में क्यों है, लास्ट दो वर्ल्ड कप रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ रोहित शर्मा जैसा ओडीआई में स्टार्ट दिया ना, सिंपली सिर्फ वही स्टार्ट अगर T20 वर्ल्ड कप में दे दे भाई, ये वर्ल्ड कप हमारा है। दो बंदा वर्ल्ड कप जिता कर लेकर आ सकता है, एक रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। 2023 वर्ल्ड कप में जो इन दोनों ने किया है एग्जैक्टली, अगर अभी भी T20 वर्ल्ड कप में भी अगर ये दोनों सेम वही चीज कर पाएंगे तो ये फैबुलस होगा। सपोज मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूं, आप समझो। फर्स्ट ओपनिंग में आता है रोहित शर्मा, देन यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा का हमें पता है गेम स्टाइल क्या होने वाला, मार धार, और यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा से प्लस टू कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर बैट्समैन जो कि होता है फर्स्ट डाउन, जो कि विराट कोहली, जो आपका अगर कोलैप्स करता है दोनों ओपनर, तो विराट के पास इतना तो है कि विराट पहला ओवर से लेकर 20 ओवर तक खेल जाएगा। देन उसके बाद आएगा सूर्य कुमार यादव एक हीटर, उसके बाद आएगा ऋषभ पंत एक हीटर, देन उसके बाद आएगा हार्दिक पांड्या एक हीटर, उसके बाद आएगा शिवम दुबे एक हीटर, जडेजा आएगा वो हीटर। सो टीम में आप सारे हीटर्स लेकर जा रहे हो, सिर्फ एक विराट कोहली है जो ऐसा है जो आपका पहला ओवर से 20वां ओवर तक खेलने भर कॉन्फिडेंस रखता है। और बात करें बॉलिंग का तो देखो अभी उतना कुछ खास अंदाजा नहीं है यूएस का पिच क्या होने वाला है, लेकिन कुलचा, मोहम्मद सिराज, बुमराह और रविंद्र जडेजा, अगर स्पिन ट्रैक होगा तो तीनों स्पिनर्स खेलने वाले हैं, लेकिन अगर बॉलिंग फास्ट ट्रैक होता है तो वहां पर तीनों फास्ट बॉलर खेलने वाले हैं। मोहम्मद शमी होना चाहिए स्क्वाड में, आई थिंक वो इंजर्ड है, नहीं भाई ने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है ना, तो भाई वहां बिजी है। फास्ट बॉलिंग में बुमराह, अक्षदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को श्रीलंका के खिलाफ जरूर खिलाना, ठीक है रोहित भाई टिप है ले लो। देन स्पिनर्स का बात करें तो स्पिनर्स में मैं चाहूंगा या तो कुलदीप या फिर चहल कोई एक खेले सिचुएशन के हिसाब से, और दूसरा स्पिनर्स या तो अक्षत पटेल या फिर रविंद्र जडेजा, क्योंकि इन दोनों से आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिलेगा।
तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। सो एक चीज तो मैं बोलना चाहता हूँ, सेलेक्टर, कैप्टन और हेड कोच काफी अच्छा काम किए, एक बहुत अच्छा स्टेबल प्लेइंग 11 लेकर के आए हैं। और प्लेइंग 11 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होने वाला है, मतलब मैं बेस्ट प्रेडिक्ट कर लूंगा यार। तुम बताना कि आपका प्लेइंग 11 क्या है कमेंट बॉक्स में, और मैं अपना बताऊंगा अगले वीडियो में। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होने वाला है प्लेइंग 11 क्या होने वाला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।